केंद्र सरकार की योजनाएं जहां एक तरफ जन सामान्य के लिए बेहतर जिंदगी जीने का मार्ग प्रशस्त कर रही हैं, वहीं ये सपनों को साकार करने का एक माध्यम बनती जा रही हैं। बोकारो की एक मां प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना के बूते अपने दिवंगत बेटे के सपने को साकार करती हुई दिखाई दे रही है। आप इस रिपोर्ट को देखिएगा, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। झारखंड में बोकारो स्टील सिटी की 50 वर्षीय राजलक्ष्मी अरुण ने अपने बेटे की आत्मा की शांति के लिए चास प्रखंड के कांद्रा गांव में केंद्र प्रायोजित प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम का लाभ उठाकर मिट्टी के कुल्हड़ और गिलास निर्माण का मड मैजिक नाम से एक उद्योग स्थापित किया है। दरअसल राजलक्ष्मी अरुण का बेटा दूसरों की नौकरी करने की बजाय रोजगार देने की योजना पर काम कर रहा था। इसी दौरान पिछले वर्ष सड़क दुर्घटना में उसकी मौत हो गई और पूरा परिवार हताश और निराश हो गया। इस विषम परिस्थिति में पति ने राजलक्ष्मी अरुण की हौसला अफजाई की और उन्हें प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना का सहारा मिला, जिससे वे अपने दिवंगत बेटे के सपने को साकार करने में लगी हैं। आज राजलक्ष्मी अरुण की फैक्ट्री में काम कर दो दर्जन से ज्यादा लोग अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। राजलक्ष्मी अरुण को भी अब ऐसा लगता है कि जैसे उनका परिवार फिर से बड़ा हो गया है। इस व्यवसाय से हम अपने देश की मिट्टी से जुड़े हुए हैं। हमारा जो परिवार प्रकृति ने छोटा कर दिया था, आज काफी बड़ा हो गया है। लगभग दो दर्जन परिवार हमारे इस व्यवसाय से जुड़कर सुखी और संपन्न है। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से काफी लोग इस व्यवसाय में जुड़े हुए हैं। मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भी काफी धन्यवाद कहना चाहूंगी। उनके द्वारा संचालित PMEGP लोन लेकर हमने इस व्यवसाय को शुरू किया। राजलक्ष्मी अरुण की फैक्ट्री में कार्यरत दिनेश कुमार बावरी कहते हैं कि पहले वो दिहाड़ी पर काम करते थे। काम नहीं मिलने पर परिवार की जरूरतों को पूरा करने में काफी दिक्कत होती थी, लेकिन अब उन्हें अस्थाई काम मिल गया है। दिनेश की तरह ही उमाचरण गोप और मनोज गोप भी यहां काम कर काफी खुश और संतुष्ट हैं। पहले मैं मजदूर करता था तो रोज हम लोग को मजदूरी नहीं मिलता था, कभी मिलता था कभी नहीं मिलता था, परिस्थिति बहुत खराब हो जाता था। तो हमारे सर जो है और मैडम जी है, वो दोनों मिलके जो फैक्ट्री खोले हैं, हम लोग को बराबर परमानेंट काम मिलते हैं। मैं इधर उधर मजदूर का काम करते थे तो कभी मिल रहा था कभी नहीं मिल रहा था, यहाँ जब से आए हैं तो बराबर काम मिलता है, काम अच्छा चल रहा है। पढ़ाई लिखाई करके भी हम बेकार भटक रहे थे इधर उधर, लेकिन यहाँ आ गए तो कंपनी में हमको काम मिला और कंपनी में बहुत अच्छा हमको ट्रेनिंग भी मिला, बहुत अच्छा से सहयोगिता भी मिला है। मड मैजिक में काम करने वाली अनु देवी और सोमू देवी इस बात से खुश हैं कि उन्हें अपने गांव के पास ही अच्छा काम मिल गया है और उन्हें अब प्लान नहीं करना पड़ेगा। इसी काम में हम लोग पोछा लगाते हैं और मिट्टी उट्टी पीसते हैं, हम लोग के लिए रोजगारी के लिए बहुत अच्छा बात है। मैडम लोग के लिए काम दिया है, इसके लिए धन्यवाद। बगल में मेरा काम मिल गया है, इसीलिए हम लोग काम करते हैं। बढ़िया काम है, दिया है मालिक हम लोग को। इसमें कोई संदेह नहीं कि केंद्र प्रायोजित योजनाओं ने राजलक्ष्मी अरुण जैसी कई महिलाओं को संबल प्रदान कर उन्हें जीने का नया मकसद दिया है। बोकारो से मनोज कुमार के साथ दिवाकर कुमार की रिपोर्ट, DD News।